अच्छा बिलावल साहब आखिर इतने धड़ल्ले से कहते हैं वैसे कि मैं इसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं तो मैं इसको नहीं लूंगा। जी बिल्कुल, वो कहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन नहीं होंगे वो उसको नहीं लेंगे, तो वो तो कह सकते हैं ना। तो मियां नवाज शरीफ भी कहे ना, जो महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, जो इकोनॉमी की तबाही हुई है, जो ये जो अब बंदरबांट हो रही है प्राइवेटाइजेशन के जरिए, पीआईए को खुद खरीदने की बातें हो रही है मुल्क के अंदर, जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इमरान खान को अपने फेलियर एक्सेप्ट करने चाहिए, इनको अपने करने चाहिए, हमें अपने करने चाहिए। अगर हमने फेलियर्स हैं कहीं पे, हमने गलतियां हैं, तो गलतियां एक्सेप्ट करने से कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता। लेकिन चौधरी साहब वो अपनी किसी ना किसी परफॉर्मेंस में मुतमईन तो होंगे ना, जो वो कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं ना सिर्फ हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे बल्कि हम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि वो सिंध तक का कहते हैं कि सिंध में भी इस बार पीपल्स पार्टी को हम टफ टाइम देंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी होंगे। अगर उनको इतना एतबार एतमाद है अपनी परफॉर्मेंस पे, कुछ तो डिलीवर उन्होंने किया होगा, उनको कुछ तो समझ आता होगा। वो लग बात है कि आप लोग उनको पहले से सिलेक्टेड अगर कुछ किया है, अगर कुछ डिलीवर किया है तो बताए ना, ये हमने डिलीवर किया है, ये महंगाई में कर दिया, ये पीपल्स पार्टी के पास तो कहने को है ना कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पहली हुकूमत में 18वीं तरमीम की, एनएफसी अवार्ड किया, हमने तनख्वाहों में 135% इजाफा किया, पेंशन में किया, हमने एक्सपोर्ट्स को 19 अरब डॉलर से उठाकर 26 अरब डॉलर पे लेकर गए, ये अगले 5 सालों में 26 से फिर वापस 19 पे ले आए। तो परफॉर्मेंस क्या है बताएं तो सही ना, सिर्फ मोटरवेज बनाना तो परफॉर्मेंस नहीं है। मोटरवे का तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है? पहले दुनिया में कोई मुल्क मुझे बता दे जिसने पहले मोटरवे बनाई हो और रेलवे को ठीक ना किया हो। पहले लोगों ने रेलवे को ठीक किया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 88 से 90 तक एक रेलवे को रीवैम्प करने का एक प्लान किया था, इन्होंने आकर उसको रद्दी की टोकरी में डालकर मोटरवेज बनाना शुरू कर दी। इंडिया के पास कम वसायल है, उन्होंने पहले रेलवे ठीक किया, अब जाकर वो मोटरवे बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, आप लाहौर में ये जो ट्रेन बना दी है, ऑरेंज ट्रेन, 300 अरब रुपया सी पैक से उठाकर इधर लगा दी है, 800 अरब रुपए की उस वक्त पूरी ML1 बन रही थी और उसको नहीं बनाया। बूंजी जो पहला प्रोजेक्ट था जिसमें 7,300 मेगावाट बिजली, सस्ती तरीन हाइडल से बिजली आनी थी, वो नहीं बनाया, उसकी बजाय ये साईवाल के अंदर कोयले का प्लांट, कोई अकल वाली बात है? आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर ट्रेनों पे लोड करते हैं, फिर अगर थार को नहीं आपने करना था तो ना करते। थार तो एक्चुअली फ्यूचर है ना पाकिस्तान का, तो थार को अगर नहीं करना था तो ना करते, लेकिन चलो ये कोई गुडानी पे लगा देते, कोई साहिल समंदर पे किसी जगह पे लगा देते, बिजली कौन सी ट्रकों पे भरकर लानी थी? तो ये हर काम उल्टा किया हुआ और आज कहते हैं तरक्की की है हमने, मुझे तो नहीं समझ आती क्या तरक्की की। ठीक, इंडस्ट्री इनके दौर में बैठ गई थी, हर चीज बैठ गई थी। अरे सर, सिंध में इत्तेहाद बन गया आप लोगों के खिलाफ और पीपल्स पार्टी तो वहाँ सोलो फ्लाइट ही ले रही है, लेकिन बाकी नून लीग, MQM, GDA एक पेज पर हैं और आप लोगों को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। पंजाब की सियासत पे आप गहरी नज़र रखते हैं, पंजाब में पहले भी हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजिशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो पंजाब में आप लोग कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए? क्योंकि पंजाब में जो हुकूमत बनाएगा, बहरहाल इसका बड़ा एक इफेक्ट आता है फिर विफाक में जो हुकूमत बनाता है। आप लोग सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, सियासी इतिहाद जितना सरगर्म नून लीग दिखाई दे रही है, इससे मुलाकात, उसके साथ इतिहाद, इसके साथ सीट एडजस्टमेंट, उस तरह एक्टिव पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं आप लोग के आप लोग हुकूमत बनाएंगे? कॉन्फिडेंट की वजह, कॉन्फिडेंस की वजह समझ नहीं आती, साथ ही आपका गिला तहफुजात के लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों के पास नहीं है, पहली तो दोनों बातों में तजाद है। पहली बात ये है जी कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कब इत्तेहाद नहीं बना, कौन सा इलेक्शन है जिसमें इत्तेहाद नहीं बना या बनाया नहीं गया? जी जी, तो अब भी ये इनको तो वो दे दिया गया है ना, हालशुदा पर्चा पकड़ा दिया गया है, वो पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, तो हम यही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब अगर MQM कल क्या हालत थी उसकी और किस तरह से उसको ट्रीट किया गया, क्या क्या कहा गया, फिर ये पंजाब के अंदर अगर आप देख लें बाकी चीजें। अब एक मैं मिसाल देता हूँ, ये चारों गवर्नर्स बैठे हैं, चारों पार्टियों जिनका मुतवक्को इत्तेहाद हो रहा है, पंजाब में नून लीग का है, सिंध में MQM का है और KP में JUI का है, वहाँ पे बाप पार्टी का है, कम से कम 13 और 18 के इलेक्शंस में ये गए थे, गवर्नर्स भी गए थे, रिजाइन किए थे, तो आप क्यों नहीं कर रहे? एक बात, दूसरी बात, दो इलेक्शंस पहले डिस्प्यूटेड हो चुके हैं,
लेकिन वो दोनों इलेक्शन 13 और 18 वाला इलेक्शन होने के बाद डिस्प्यूटेड हुए थे, ये इलेक्शन इलेक्शन होने से पहले डिस्प्यूटेड हो रहा है। तो अगर आप लोगों को इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं देते तो उसका नतीजा क्या हो, हम कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, हम उन्हीं दायरों में सफर कर रहे हैं। अगर कोई IGI2 बनाने की कोशिश होगी तो उसका नतीजा क्या निकला था, पहले विमोद्रमा बेंजीर भुट्टो जीत गई। हम यही कह रहे हैं, हम हारते हमें हारने दो, हम जीतते हमें जीतने दो, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो कराओ। क्या आप किसी रेडी वाले से पूछे क्या इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं, वो आपको बताएगा कि नहीं। तो ये इस किस्म की चीजें हैं। आप जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन यही बात आप लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि सिंध में आप लोगों के होते हुए किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मतलब इस हवाले से बड़ा खुलकर मिनिस्टर बरसा रहे थे, पीपल्स पार्टी की जानेब तीर चला रहे थे, वो कह रहे थे। जी जी डॉक्टर साहब आप बताए तो सही, हम सिंध में क्या कर रहे हैं, गवर्नर है उनका ही कहना है आपके मुखालिफिन का कि वहाँ पे आप लोग, आप लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा से ज्यादा रही है। मैं बताती हूँ ना, आबिद शरीफ साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि आप लोग हमेशा वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्ट होता रहा है, वज़ीर आला सिलेक्ट होता रहा है, वज़ीर आला से। डॉक्टर साहब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, आबिद शेर अली साहब हमारे दोस्त हैं। जी 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 चौधरी साहब जी प्लीज, वो तो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं और किसी को भी कुछ कह सकते हैं। मसला ये है कि लगाया गया आज चीमा साहब अभी तक बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों किसी को भी कुछ भी क्यों कह रहे हैं? बात तो सुन लेना, वो बाद में बात करेंगे, उनको प्रोग्राम सुनेंगे तो मुझे फोन आ जाएगा उनकी मोहब्बतों का। उनको छोड़ दे। अब आज चीमा साहब उधर बैठे हुए ना, एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर है ना। अच्छा आपको फोन कर देते हैं फिर आप। तौकीर शाह उधर बैठे हुए ना जी, IG उन्होंने अपॉइंट किया है, चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट किया है, वहां पे जो नून लीग की सारी टीम बैठी हुई उन्होंने, गवर्नर सिंध उनका बैठा है और धांधली हम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही है कैसी धांधली। यहाँ पे भी उनके लोग ऑफिसर सारे बैठे हैं, हमारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, मेरे भाई के खिलाफ 788A का पर्चा दिया है यहाँ की पुलिस, और झूठा पर्चा है, सारे सारे जिले को पता है। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं उनका, तो वो क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से, वो क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? अगर इतनी मजबूत पोजीशन है, दो तिहाई अक्सरियत ले रहे तो वो क्यों मतलब भाग रहे? उन्होंने, मैंने एक जोक सुनाया था कि 125 कह रहे हैं राणा साहब, तो मैंने कहा यार 141 क्यों नहीं कहते, टोटल सीटें क्यों नहीं कहते पंजाब से, क्यों सारी की सारी लेंगे, 141 क्यों नहीं लेते? ये कहने में क्या आ रहे? वो ज़ियाउल्लाह साहब थे ना, तो ज़ियाउल्लाह ने जब रेफरेंडम करवाया, आपको तो शायद इतना उस वक्त आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा, तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपने कहा कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं, आप अगर हाँ में जवाब दिया, ये 4-5 सवाल थे, तो इसका मतलब मैं 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाऊं। तो वो एक दोस्त था उनका, वो दोस्त ने उससे मशवरा करते थे, वो वापस गए तो उनसे बात की, उसने कहा मैं तो सख्त नाराज हूँ आपसे, ज़ियाउल्लाह से कहा। उन्होंने कहा क्यों? उसने आपका दूसरा हाथ टूटा हुआ था, आप उठाकर 10 साल कह देते, आपको क्या होने लगा? ये अगर 125 की बजाय 141 कह दें तो क्या आ रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।